तो इक्वालिटी की बात करेंगे दोस्तों ये टॉपिक जो है ये पांच नंबर के लिए पूछा जाता है अगर मान लीजिए मैं एग्जाम की बात करता हूं जैसे अगर कोई क्लर्क का एग्जाम है तो क्लर्क के एग्जाम में दस में से कम से कम दस शिफ्ट अगर होती है अगर दस शिफ्ट होती है तो कम से कम उसमें ये आठ शिफ्ट में पूछा जाता है फाइव मार्क्स के लिए और अगर हम बात करें पीओ पेपर की तो पीओ में कम से कम दस में से छह शिफ्ट में पूछा जाता है मार्क्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दस में आठ शिफ्ट मतलब बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि आपकी शिफ्ट में आ जाए ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी के कुछ पहले तो मैं बेसिक आप लोगों को बता देता हूं इनइक्वालिटी होता क्या है किस टाइप का होता है ये आप लोग देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन होते हैं जो भी नए स्टूडेंट्स हैं दोस्तों उन्हीं के लिए मैंने ये क्लास रखी है पुराने जो हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं तो यहां पर दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को जो भी देखने को मिलते हैं एग्जाम में बैंक एग्जाम्स जो होते हैं या किसी भी टाइप के कोई भी एग्जाम हो अगर आपको इस टाइप का को कोई क्वेश्चन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी ठीक है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये बहुत ही आसान है बहुत आसान मतलब कि आप ऐसे देख के बस ऐसे टिक कर सकते हो ये गलत हो गया ई से ए तक जाना है गलत हो गया आप ऐसे बहुत ही आसानी से इतनी फास्ट आप मतलब फटाफट कर सकते हो ठीक है तो चलिए तो इसको सीखते हैं दोस्तों कि करना क्या होता है सबसे पहली बात पांच टाइप के सिंबल्स याद रख लीजिए सिंबॉल्स एक ग्रेटर ग्रेटर देन 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 एक लेस लेस इक्वल 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 टू 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 और ठीक है तो ये पांच सिंबल होते हैं अब आपको क्या करना है ये जो गेट है आपको मैं गेट कंसेप्ट समझा रहा हूं गेट कंसेप्ट बहुत सारे टीचर्स समझाते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि मैं कुछ यूनिक चीज सिखा रहा हूं ठीक है ये ट्रिक आप लोगों को ऐसे हजारों चैनल होंगे जहां पर सिखाए जाते हैं ठीक है लेकिन इसमें जो मैं एक एक्स्ट्रा चीज सिखाऊंगा वो है डोरमेट कंसेप्ट ठीक है तो डोरमेट कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा बहुत आसान है ये गेट है दोस्तों जो कि ओपन है यहां से खुला हुआ दिख रहा है मतलब आप जा सकते हो ऐसे ठीक है इधर से आप नहीं जा सकते क्योंकि दरवाजा बंद दिख रहा है तो आपको अगर मैं बोलूं इसमें गेट किस तरफ ओपन है तो ये ओपन है इस वाले में इधर से ओपन है इस वाले में इधर से ओपन है इस वाले में इधर से ओपन है और इस वाले में दोनों तरफ से ओपन है समझ में आया ये चीज भाई जिस तरफ से ये खुला हुआ दिख रहा है मतलब ओपन है आप जा सकते हो ठीक है अब करना क्या है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा दो केसेस आपको याद रखने एक होता है सिंपल नॉर्मल केस ऐसा वाला और दूसरा होता है डोरमेट वाला

तो करना क्या होता है ए से बी के घर तक जाना है हर दरवाजे पर डोरमेट होना कंपलसरी है अगर किसी भी दरवाजे पर डोरमेट नहीं होता है मतलब कि वो गलत हो जाएगा ठीक है अगर कभी भी किसी भी कंक्लूजन में आपको ऐसा दिख रहा है ए से बी के घर तक जाना है और जितनी भी जर्नी में वो जितने भी दरवाजे क्रॉस करेगा हर दरवाजे पर डोरमेट होना जरूरी है अगर डोरमेट नहीं मिला कहीं भी एक जगह भी तो गलत हो जाएगा इसमें काफ़ी लोगों को डाउट एक ये आता है कि सर अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है ए से जाना है बी के घर तक तो यहाँ पर पैर साफ हो गया फिर यहाँ सी के घर पहुँच गए सी से ये डी के घर पहुँच गए और उसके बाद फिर ये ऐसा बी के घर पहुँच गए तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर इस वाले में ये ट्रू हो जाना चाहिए क्योंकि यहां से ए निकला पैर साफ था यहां पैर गंदा हो गया यहां पर फिर से साफ हो गया ऐसा नहीं है दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता ठीक है याद रखिएगा अगर आपको कंक्लूजन में ये दिख रहा है साइन इसका मतलब ये है कि ए से लेकर बी तक जितने भी दरवाजे बीच में दिख रहे हैं जितने भी सिंबल दिख रहे हैं हर में ये डोरमेट लगा होना चाहिए यहां है यहां है पर यहां नहीं है मतलब ये गलत हो जाएगा समझ में आया सेम चीज इस वाले में क्या होता है कि अगर ये ऐसा दिख रहा है आपको अगर ऐसा वाला कोई साइन आपको दिख रहा है तो आपको क्या देखना है कि हर दरवाजे पर डोरमेट अगर होगा ऐसा यहां भी डोरमेट यहां भी डोरमेट यहां भी डोरमेट तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसे वाले केस के लिए क्या है आपको कम से कम एक दरवाजा ऐसा चाहिए कम से कम एक दरवाजा ऐसा चाहिए जो डोरमेट वाला ना हो समझ में आया सभी को समझ में आया कि नहीं भाई सभी को जल्दी बताइए चलिए तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ गए होंगे तो अब दोस्तों क्वेश्चन पर चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन पर अगर आप लोग देखोगे तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें जैसे कि अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको ये ऐसा दिख रहा था इसका मतलब क्या है दोस्तों बी को ई के घर तक जाना है क्योंकि दरवाजा इधर ही से खुला हुआ दिख रहा है बी को ई के घर तक जाना है हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए कंपलसरी है तो भाई बी से जब आप निकले यहां पर देखो डोरमेट है यहां भी डोरमेट है लेकिन यहां डोरमेट नहीं है गलत हो गया वैसे ई को ए के घर तक जाना है ये ऐसा लिखा है ना ई से ए तक तो अगर ई को ए के घर तक जाना है तो ये देखो ई निकल ही नहीं पा रहा अपने घर से क्योंकि दरवाजा बंद है दरवाजा बंद है मतलब गलत हो गया तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है दोस्तों और पांच मिनट का कंसेप्ट है जो सीखना चाहता है उनके लिए जो नहीं सीखना चाहता वो छह महीने में भी नहीं सीख पाता और जो सीखना चाहता है वो पांच मिनट में, में सीख जाता है ठीक है बहुत सिंपल चीज है पांच नंबर आप आसानी से ले सकते हो तो पहले का हो गया दोनों गलत अब देखते हैं दूसरे वाले को ठीक है दूसरे की बात में बात करेंगे पहले तीसरे को देखते हैं क्योंकि उसमें और है तो मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा इसको ध्यान दीजिए दोस्तों इसमें क्या करना है भाई आपको क्या बोल रहे हैं डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एच इसका मतलब क्या है डब्ल्यू से एच के घर तक जाना है अगर W से H के घर तक जाना है तो देखो भाई W से ऐसे दरवाजा पूरा खुला हुआ दिख रहा है H के घर तक ट्रू हो गया ठीक है दूसरे वाले को देखो भाई सी से टी के घर तक जाना है तो सी से दरवाजा बंद है ये देखो सी नहीं निकल पा रहा बाहर तो ओनली वन हो गया सॉल्व कोई ज्यादा इसमें माथा पच्चीस करने की जरूरत नहीं है दिमाग का दही करने की जरूरत नहीं है बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्तों दरवाजा खुला हुआ है डोरमेट है तो भाई हर दरवाजे पर डोरमेट चाहिए अगर डोरमेट नहीं दिख रहा आपको कंक्लूजन में तो कम से कम एक दरवाजा जिसमें डोरमेट ना हो बस अब इस वाले को देखते हैं भाई यहां पर देखो क्या दिख रहा है आपको ऐसा दिख रहा है एन F से N के घर तक आना है F से N के घर तक आना है अब यहां पर सेमिकॉलन वाला आ गया तो सेमी कॉलन वाले में क्या करना है इसको सेपरेट मान लो इसको सेपरेट मान लो ठीक है तो ये सेपरेट सेपरेट दिया हुआ है आपको अब क्या बोल रहा है भाई F को N के घर तक जाना है हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए तो भाई सबसे पहले देखो F अपने घर से निकल पा रहा है क्या जब निकल ही नहीं पा रहा है तो पहले ही गलत हो गया आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है अब देखो दोस्तों पी से एफ के घर तक जाना है पी से एफ के घर तक जाना है, जाना है कैसे जाएंगे भाई निकला 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 अपने घर से क्यू के घर 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 से 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 के 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 तक 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 गया से निकला के घर तक गया गया e e फिर यहां देखो से निकला ए ए के घर तक गया। मतलब पहुंच गया यहां डोरमेट था यहां डोरमेट था पर यहां डोरमेट नहीं है यहां भी नहीं है जब यहां डोरमेट नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कम से कम एक जगह पर डोरमेट नहीं चाहिए तो यहां है यहां है यहां नहीं है मतलब सही है समझ में आया सभी को अब बात करते हैं इसकी या फिर इसको में करते हैं पहले और ये दो हैं, उसको भी देख लेते हैं। इस वाले तो देखो कैसे जा सकते हो आर से ई e के घर तक भाई सिंपल सी चीज है आर से अगर आप एस के घर जाओगे तो एस आपको और कहीं दिख ही नहीं रहा है कोई फायदा नहीं है के घर जाके तो आर से अगर हम एक्स के घर चले जाए उसके बाद देखो एक्स के घर का दरवाजा बंद है मतलब बाहर नहीं निकल पाओगे घर पे तो पहुंच गए लेकिन वो निकलने नहीं दे रहा है बाहर तो गलत हो गया भाई सेकंड वाले को को देखिए v v इज ग्रेटर देन z z मतलब कि जाना है z के घर तक v को जाना है z के घर तक कैसे जाएगा ये देखो v था v गया पहले e के घर फिर ये e से गया ऐसे z के घर पहुंच गया हां या ना जल्दी बताइए सही है आखिरी वाला सही है ये वाला क्या होगा जल्दी से बताओ V को जाना था Z के घर तक V को जाना था Z के घर तक V पहले तो गया E के घर फिर E से गया Z के घर सही नहीं है दोस्तों ये गलत है क्यों गलत है भाई मैंने बताया ना देखो यहां पर जब डोरमेट नहीं है तो जितने भी दरवाजे क्रॉस कर रहा, उसमें कम से कम एक दरवाजे पे डोरमेट नहीं होना चाहिए V गया E के घर यहां पर डोरमेट दिख रहा है आपको ये देखो फिर ई e से गया जेड के घर यहां पर भी डोरमेट है तो भाई दो दरवाजे क्रॉस किया दोनों पे डोरमेट है तो गलत हो जाएगा ना यार सिंपल सी चीज है आईबीपीएस टॉपर कौन है भाई मुझे आइडिया नहीं है मुझे ऐसा सुनने में आया तो था लेकिन मुझे आइडिया नहीं है नाम क्या है बता दो बात किया जाएगा बिल्कुल तो दोस्तों काफी इजी तरीका है ठीक है अगले दो तीन क्वेश्चन और है देख लेते हैं इसको भी इस वाले को छोड़ दो इधर और लग रहा है इसको देख लेते हैं पहले फिर इधर और मैं समझाऊंगा ठीक है तो यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है इस वाले में w से m तक जाना है w से m तक जाना है भाई w से जाएगा पहले तो t के घर तक फिर t से जाएगा m के घर तक पहुंच गया l को जाना है m के घर तक एल को जाना है एम के घर तक तो एल तो निकल ही नहीं पा रहा भाई दरवाजा बंद है इसका ये देखो ऐसा दिख रहा है ना ऐसा तो दरवाजा बंद है निकलेगा कैसे एल अरे ये इससे तो एक शायरी याद आ गई खुद ही को कर बुलंद इतना वो घुसा हो जैसे तैसे खुदा ने बंदे खुद पूछा अब निकलेगा कैसे तो वैसे ही टाइप का कुछ केस हो गया एल बाहर ही नहीं आ पाएगा तो गलत हो गया अगला वाला देखिए दोस्तों इसमें क्या है ये जो क्यू यहां पर लिखा हुआ है इसको मैं इधर लिख देता हूं पहले तो चलिए अब देखिए दोस्तों डी को सॉरी क्यू को डी के घर तक जाना है ठीक है तो फिर से वही वही वाली बात हो गई कि भाई क्यू जो है वो तो निकल ही नहीं पा रहा है गलत हो गया ठीक है वैसे इसमें देखो आर को जाना है बी के घर तक तो आर को बी के घर तक जाना है तो पहले आर जो है वो पी के घर तक आएगा फिर पी से बी के घर तक जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगा समझ में आया सभी को चलिए तो अब बात करते हैं दोस्तों इधर और की ठीक है ये काफी आ, इजी चीज है जो कि मैंने अभी बताई आप लोगों को उम्मीद करता हूं सभी सीख गए होंगे प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों कुछ 10-20 क्वेश्चन डेली बनाएंगे दो चार दिनों तक आसानी से आप सीख जाएंगे कोई इसमें ज्यादा बहुत बड़ी वाली बात नहीं है कोडिंग डिकोडिंग की फास्टेस्ट ट्रिक ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं दोस्तों अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है सर्च कीजिएगा मिल जाएगा यूट्यूब पर कोडेड इनक्वालिटी भी मैं सिखा चुका हूं लेकिन मैं फिर से ये सीरीज को फिर से चालू कर रहा हूं क्योंकि हर साल नए नए स्टूडेंट्स आते हैं जो पुराने वीडियोस देखना पसंद नहीं करते तो ऐसा मत किया करो दोस्तों पुराने वीडियोस भी देखा करो ये मत सोचा करो कि बार बार नया नया ही मिलते रहे ठीक है पुराने बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर हैं 700 से ज्यादा जो कि काफी यूजफुल है आप लोगों के लिए तो बस चैनल को ओपन करिए प्ले काफी सारी मैंने बना के रखी हुई है उन प्ले के सारे वीडियो को देखना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने नहीं देखे अभी तक तो।, तो अब बात करते हैं दोस्तों इधर और की इधर और के लिए दोस्तों एक कोडेड इन जो कि मैं आप लोगों को अगली क्लास में करवाऊंगा उसका एक बॉक्स होता है तो फिलहाल मैं उसको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं अभी बस आप इतना याद रखिए कि एक बॉक्स होता है कुछ इस प्रकार का ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू बस इतने को याद कर लो आपकी बॉक्स ऐसा होता है ठीक है ऊपर में होता है ग्रेटर देन फिर ग्रेटर देन इक्वल टू नीचे होता है लेस देन फिर लेस देन इक्वल टू और बीच में होता है इक्वल टू अब आपको करना क्या है दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिएगा इस वाले केस में क्या हो रहा है पहले तो हम इसको चेक करते हैं नॉर्मल जैसा हम चेक करते हैं अभी तक जितने सारे क्वेश्चन को हम चेक कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही पहले इसको हम चेक करेंगे ठीक है फिर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बताऊंगा कि कैसे पेयर्स बनते हैं यहां पर तो सबसे पहले इसको चेक करिए और देखिए क्या हो रहा है तो यहां पर देख लीजिए पहले आप लोग खुद से देखो भाई कौन सा सही हो रहा है कौन सा गलत हो रहा है तो यहां पर देखिए दोस्तों Y को D के घर तक जाना है हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए Y को D के घर तक जाना है हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए भाई Y अपने घर से निकला Z के घर तक तो चला गया लेकिन उसके बाद दरवाजा बंद है तो आगे नहीं जा पा रहा गलत हो गया इसमें देखो डी को वाई के घर तक जाना है तो डी जो है वो जेड के घर तक तो चला गया पर उसके बाद दरवाजा बंद है तो आगे नहीं जा पा रहा तो यह भी गलत हो गया अब जब ये दोनों गलत हो गए दोस्तों तो आपको करना क्या होता है दो चीजें हमेशा याद रखनी है पहला क्या है भाई इधर और का जो केस बनता है ना उसमें पहली चीज क्या होती है बोथ कंक्लूजन बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग होने चाहिए भाई दोनों के दोनों गलत ठीक है पहली चीज समझ में आ गई आपको कि दोनों के दोनों जो हैं वो ऐसे गलत आने चाहिए दूसरी चीज क्या होती है दूसरी चीज होती है कि भाई जो लेटर्स हैं इसमें यहां वाला लेटर इधर वाला लेटर दोनों जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं पहला वाला और दूसरा वाला बोथ एलिमेंट्स बोल सकते हैं या लेटर्स बोल सकते कुछ भी बोल सकते हो ठीक है पूरा क्या लिखना ही बता देता हूं दोनों गलत होने चाहिए तो दोनों गलत होने चाहिए और दोनों में लेटर सेम होने चाहिए डी वाई है तो डी वाई होना चाहिए ठीक है इन केस अगर आप लोगों को कभी ऐसा दिखता है ध्यान से सुनिएगा भाई केस अगर आप लोगों को कभी ऐसे कंक्लूजन दिख जाएं जिसमें आपको ऐसा लिखा हुआ है डी इज लेस देन इक्वल टू वाई और ऐसा लिखा हुआ है कि वाई इज लेस देन डी तो ऐसे केस में दोस्तों इधर और चेक करने के पहले ध्यान से सुन लो भाई इधर और चेक करने के पहले इसको पलट देना पलट देना मतलब क्या है भाई डी को इस तरफ ले आओ वाई को इस तरफ ले जाओ तो सिंबल भी ऐसा पलट जाएगा तो इन दोनों में इधर और चेक करना आप हमेशा ठीक है तो भाई ये दोनों गलत है दोनों में लेटर सेम है अब आपको क्या देखना है ये बॉक्स को देखना है जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको अगर डायगनल ऑपोजिट सिंबल दिख रहे हैं अगर डायगनल ऑपोजिट सिंबल दिख रहे हैं मतलब कि ये वाले दोनों सिंबल या फिर ये वाले दोनों सिंबल तो इधर और होगा तो यहां पर देखो दोस्तों यहां पर देखो कौन कौन से सिंबल दिख रहे हैं आपको एक ये वाला सिंबल दिख रहा है एक ये वाला सिंबल दिख रहा है तो ये इधर और होगा उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा सभी को ठीक है दूसरा केस क्या होता है दोस्तों भाई ये तो हो गया डायगनल ऑपोजिट अगर ये दोनों सिंबल दिख जाए या फिर ये दोनों सिंबल दिख जाए इधर और हो जाएगा दूसरा केस क्या होता है सेंटर कॉर्नर सेंटर कॉर्नर ठीक है सेंटर कॉर्नर सेंटर कॉर्नर मतलब या तो ये दोनों दिख जाए या तो ये दोनों दिख जाए तो ऐसे में भी इधर और होता है याद रखिएगा तो आगे एक क्वेश्चन और मैंने छोड़ा था इस वाले को भी देख लेते इसमें देखिए दोस्तों क्या था एस को पी के घर तक जाना है तो देखो भाई एस जो है वो पी के घर तक कैसे जा सकता है सबसे पहले तो एस जाएगा एच के घर तक एच से जाएगा पी के घर तक गलत हो गया क्यों गलत हो गया क्योंकि हर दरवाजे पर डोरमेट लगा हुआ है हर दरवाजे पर डोरमेट लगा हुआ है पर यहां पर यहां डोरमेट नहीं था तो गलत हो गया ना कम से कम एक दरवाजा चाहिए था जहां डोरमेट ना हो सेम चीज इस वाले को देखिए दोस्तों एस आपको इक्वल दिख रहा है क्या नहीं बीच में ग्रेटर इक्वल के भी साइन है इसलिए भी नहीं दिख रहा तो दोनों अगर गलत हो गए लेटर अगर दोनों में सेम है तो अगर हम मैजिक बॉक्स को देखें तो मैजिक बॉक्स क्या कहता है सेंटर कॉर्नर तो ये इधर और उम्मीद करता हूं दोस्तों इन इक्वालिटी काफी अच्छे से समझ में आया होगा सभी को अगर नहीं समझ में आया है दोस्तों तो इस वीडियो को शुरुआत से देख लीजिएगा सबसे फास्टेस्ट ट्रिक है इससे फास्ट कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती जो बोलते हैं उनको बनाने दो ठीक है वहम में जीते हैं जीने दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन इससे फास्टेस्ट कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि देखते ही आप इसमें सॉल्व कर लेते हो इसमें कुछ आपको दिमाग लगाने वाली जरूरत ही नहीं है दिमाग लगाना ही नहीं है कुछ भी बस देखना है और सॉल्व हो जाता है ऑब्जर्वेशन से ही सॉल्व हो जाता है मैक्स टू मैक्स एक मिनट लगेंगे आपको पूरे के पूरे पांच क्वेश्चन करने में ठीक है तो जरूर इसकी प्रैक्टिस करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए दोस्तों बाकी हम कोशिश करेंगे कि कल कोडिंग डिकोडिंग की भी मैं एक बार फिर से आप लोगों को सिखा दूंगा कि काफी सारे नए स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं तो दोस्तों एक चीज और कल सुबह फ्री क्लास होने वाली है फ्री क्लास का मैं टाइम बता देता हूँ आप लोगों को तो उसके लिए आप लोगों को अन का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा बी ठीक है तो इससे आप फ्री क्लासेस अनलॉक कर लेंगे